नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा। 17 जून 2022 ये दिन आपको जरूर याद होगा, क्योंकि इसी दिन नूपुर शर्मा ने पैगंबर पर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी एक डिबेट चैनल में, और जिसके बाद ना सिर्फ उन्हें भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया बल्कि लोग सड़क पर उतर आए उनके विरोध में। सरतन से जुदा के नारे लगने लगे। आलम यह था कि विश्व की जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने नूपुर शर्मा को बॉयकॉट कर दिया था, और यहाँ तक कि मोदी सरकार पे भी प्रेशर बनाने की भरपूर कोशिश की। अब चूंकि देखिए, आप भी जानते होंगे कि इस पूरी घटना के बाद एक लंबे समय से नूपुर शर्मा एक सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड है। लेकिन अब हाल ही में राजस्थान की एक कोर्ट में नूपुर शर्मा के खिलाफ जिन लोगों ने सरतन से जुदा जो नारे लगाए थे, जो दरगाह के जो खादिम थे गौहर चिश्ती और उनके साथ अन्य जो 5 आरोपी थे उनको रिहा कर दिया है। जी हाँ, इन लोगों पर आरोप लगा था कि इन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ सरतन से जुदा और नूपुर शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गौहर चिश्ती के नेतृत्व में ही एक जुलूस निकाला गया था। प्रशासन से ये परमिशन ली गई थी कि एक मौन जुलूस निकाला जाएगा विरोध में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जी हाँ, लगभग 3,000 से भी ज़्यादा लोग अजमेर में जब इकट्ठे हुए, खासकर जब अजमेर शरीफ के सामने आए, तो दरगाह पर यही जो चिश्ती साहब थे, जो आपके जो गौहर चिश्ती थे, इन्हीं के नेतृत्व में सरतन से जुदा के भरपूर नारे लगे और नूपुर शर्मा के खिलाफ, उनके खिलाफ उनके मुर्दाबाद के भी नारेबाजी हुई। और आलम यह है कि आज तस्वीर आपके सामने है, जो आरोपी थे उन्हें कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। अब देखिए, हम यहाँ पे देखिए कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठाते हैं, सवाल ये उठता है कि जब कोई सनातन के खिलाफ कोई बड़ी टिप्पणी करता है, जब कोई सनातन को गाली देता है, जब कोई सनातन को आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हिंसक बताता है, जब कोई सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करता है, जब कोई हमारे धर्म ग्रंथों की तुलना बहुत ही हमारे धर्म ग्रंथों को फाड़ा जाता है, जब भगवद गीता रामायण जब इन पे गलत टिप्पणी की जाती है, तो उन लोगों पर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि नूपुर शर्मा जैसे जितने भी लोग हैं, क्या आज उनकी जान को खतरा है? अगर है तो इसके पीछे का मूल कारण क्या है? क्या देश का घटिया कानून? इसे पर बोलते हुए पेशे से वकील और धर्म से सनातनी अश्विनी उपाध्याय जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनके इस पूरे वीडियो में। इस तरीके का भेदभाव ये है कि पहली बात तो हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है। आप क्षत्रियों के बारे में कुछ बोल दीजिए, देश भर के क्षत्रिय तलवार लेकर बाहर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, जैसे संसद में हुआ था ना, हिंदू हिंसक होता है। अगर राहुल गांधी ने कहा होता छत्री हिंसक होते हैं, तो देश भर के 1,00,000 छत्री जरूर सड़क पे आ जाते। अगर राहुल गांधी ने कहा होता ब्राह्मण हिंसक होते हैं, ब्राह्मण आ जाते, तो ब्राह्मण आ जाते। अगर वो कहते यादव हिंसक होते हैं, तो यादव तो लाठी लेके उनका एकदम पता नहीं क्या कर देते। अगर राहुल गांधी कहते कि बनिए हिंसक होते हैं, तो बनिए भी सड़क पे आते। दलित हिंसक होते हैं, दलित भी सड़क पे आते। लेकिन राहुल गांधी बड़े चतुराई से कहा हिंदू हिंसक होता है। देखो, सारे अपने अपने घर में बैठे हुए, ब्राह्मण सोच रहा है छत्री आगे जाए, छत्री सोच रहा है वैश्य आगे जाए, हमको थोड़ी बोला है। ये जो मेंटेलिटी हो गई है, ये बड़ी खतरनाक है। तो उनको सबको पता है कि जातियों में बटे हुए हैं। दूसरा, ये बोलते क्यों हैं? ये सारे पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कानून में कितनी खामियां हैं, कितना बोलने पर हम बच जाएंगे, उनको सबको पता है। इसलिए रिफॉर्म की ज़रूरत है। दुर्भाग्य, आप देखिए पूरे देश में हेट स्पीच की बात होती रहती है, आप लोग भी खबर चलाती रहती है, हेट स्पीच। जानते हैं आप, भारत के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है। तो मैंने इसलिए पीएल फाइल किया, पहले हेट स्पीच को डिफाइन तो कर दो, हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है। आप ये बताइए, मैं हनुमान जी का पुजारी हूं और सुबह 5 बजे मैं नींद में हूं, तब तक जोर से चिल्ला के बताया जा रहा है हनुमान जी पूजा योग्य नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अब इसका मतलब सुबह 5 बजे मुझे सुनना, ये सुनाई पड़ रहा है हनुमान जी पूजा की योग्य नहीं है, लेकिन मैं कोई FIR नहीं करा सकता, मैं उसको हेट स्पीच भी नहीं कह सकता। हेट स्पीच अगर डिफाइन होता तो अजान हेट स्पीच डिक्लेयर हो जाती, हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं किया गया। अब भाई, खुलेआम किसी को लाउड स्पीकर से चिल्ला के कहना कि तुम्हारे राम पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे कृष्ण पूजा योग्य नहीं, कभी किसी जैन को आपने सुना वो चिल्ला चिल्ला के कहता हो लाउड स्पीकर से केवल महावीर ही पूजा योग्य है, दूसरा कोई योग्य नहीं? कभी किसी बौद्ध को आपने सुना कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा हो केवल भगवान बुद्ध ही पूजा योग्य है,
उन्हीं की प्रेयर होनी चाहिए। कभी सिखों को आपने सुना कि केवल गुरु ग्रंथ साहिब ही पूज्य है, बाकी और कोई पूजा योग्य नहीं? कभी हिंदुओं को आपने सुना वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो केवल हमारे शंकर पूजा योग्य हैं, या हमारे देवी जी पूजा योग्य हैं, हमारे कृष्ण पूजा योग्य, हमारे राम को? कोई नहीं कहता, और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, सबको ये इतनी लिबर्टी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लाउड स्पीकर पे चिल्ला के सुबह सुबह 5 बजे कहा जाता है, फिर दिन में एक आध दो बार और कह दिया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, और सब सुनते रहते हैं। मैं आपको कभी अपने गांव में ना एक बार लाउड स्पीकर पर आप चिल्ला के बोलना कि केवल हनुमान जी पूजा योग्य हैं, आपके आपके मोहल्ले के 10 लोग आप खड़े होकर आपका विरोध करेंगे, क्या बात कर रही, पागल हो गई क्या, तू हनुमान जी को मानती है, मान, मैं तो कृष्ण को मानता हूँ, मैं तो शंकर को मानता हूँ, सारे विरोध कर देंगे। उन्हें छोड़िए, घर वाले कहेंगे पागल वागल हो गए के भाई, हाँ पूजा करो घर में बैठ के, क्या हल्ला मचा रहे हो, क्या क्यों हल्ला मचा रहे, इनको कोई नहीं रोक, इनको कोई नहीं रोक रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक होता है, इसलिए कोई सारे शांत रहे, ऐसे ही अगर कोई कह दे शंकर ही आदिदेव हैं तो वैष्णव खड़े हो जाएंगे, कोई कह दे विष्णु ही आदिदेव हैं तो शैव खड़े हो जाएंगे। दक्षिण भारत में तो एक बार शैव और वैष्णव के बीच में युद्ध हो चुका है, झगड़ा हो चुका है इसी बात का। साउथ में बड़े कट्टर लोग हैं, जो शंकर जी को मानते हो केवल शंकर जी की पूजा करते हैं, जो विष्णु को मानते हो विष्णु की पूजा करते हैं, वो शैव वैष्णव। वहां 8वीं शताब्दी में एक बार युद्ध हो गया था, शैव कह रहे थे आदिदेव शंकर है, वैष्णव कह रहे थे आदिदेव विष्णु है, और दोनों भिड़ गए, युद्ध हो गया। और आज उन्हीं को लाउड स्पीकर से चिल्ला के कहा जा रहा है, न तुम्हारे शंकर जी आदिदेव हैं पूजा योग्य हैं, न तुम्हारे विष्णु पूजा योग्य हैं, पूजा योग्य तो केवल अल्लाह है, और दोनों चुप हैं। ये सोचने की बात है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ही रहेगा अश्वनी जी, जैसे देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, सबसे पहली बात आप सुनने में कितना अच्छा लगता है देवभूमि, लेकिन वहां पर मजार बन गई, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में मजार बनाई गई, और अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मजार बनाया जाना, मतलब मैं हरियाणा से हूं तो मुझे बहुत ये अंदर से खटका कि अब कुरुक्षेत्र जैसी जहां पर महाभारत वहां, तो और अब महाभारत होनी चाहिए थी जब वहां पर मजार बनाई गई, तो ऐसे में कोई स्थायी समाधान हो सकता है या सरकार को सोचना चाहिए, हर जगह अगर आप मजार बना देंगे तो ऐसे कैसे चलेगा, देवभूमि पर मजार, हिमाचल में मजार? देखिए, एक तरफ तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं हो सकती है, नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ मजार बना रहे, दरगाह बना रहे। मजार में किसकी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की थोड़ी, वो तो भूले सा या फूले सा या नन्हे सा या जिसकी बना रहे उन्हीं की इबादत हो रही है ना, तो ये तो हराम हो गया।